दोस्तों मैं हूं अभी केवड़िया स्टेशन के बाहर और रात का व्यू मैं आपको रात का ब्लॉग बना रहा हूं मैं केवड़िया स्टेशन के बाहर का, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है। मैं आपको दिखाता हूं अभी बाहर के लाइटिंग्स और पानी के ऊपर क्या क्या लाइटिंग्स आ रही है, मस्त वाली, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, थोड़ा सा इन सबको देख लीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। दिन में स्टेशन का क्या व्यू होगा वो अलग ही देखने का होगा, फिलहाल रात में जो लाइटिंग्स है इसकी वो अलग ही है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और तो बस क्या कहूँ, स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, एयरपोर्ट को टक्कर दे रहा है स्टेशन ये, और थोड़ा बहुत काम चल रहा है अभी स्टेशन पे, लेकिन फिर भी जो भी अभी तक काम हुआ है बहुत ही काबिल तारीफ है बोल सकता हूँ मैं। चलिए इस ब्लॉग के कुछ जो इस ब्लॉग के अंदर जो कुछ स्टेशन की कुछ खूबसूरती थी वो देखिए, और फिर इस ब्लॉग में अभी रात में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगा तब तक के लिए। दिन में फिर बुलाऊँगा इस स्टेशन का ब्लॉग, फिर मिलते हैं आगे, तो ओके बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, मैं आपका दोस्त मिजाज फिर से हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों मैंने रात में आपसे बोला था कि रात में व्लॉग यहीं से बन नहीं पा रहा, तो मैं दिन में आपके लिए केवड़िया जंक्शन का व्लॉग लेके आऊँगा। तो मैं अभी हूँ केवड़िया जंक्शन पे, और 45 मिनट बाद मेरी ट्रेन आएगी केवड़िया निजामुद्दीन स्पेशल, जिससे मैं वापस जाऊँगा। तो दोस्तों मैं ज़रा बता दो स्टेशन के बारे में, स्टेशन में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऐसा अभी प्लेटफॉर्म वगैरह बन चुके हैं, लाइनें वगैरह बिछ चुकी है, तीन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और तीनों पे ट्रेनें आती हैं बाकी, लेकिन तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे काम अभी भी चल रहा है, और बाकी दो प्लेटफॉर्म अच्छे से काम हो चुका है। वहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है तीनों प्लेटफॉर्म को अच्छे से ऊपर से शेड से घेर रखा है, और प्लेटफॉर्म का व्यू जो है बहुत अच्छा है, बाहर से भी अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेशन बाहर से कैसा है दिन के टाइम में, रात में तो मैं आपको रात के जो स्टेशन है उसके कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा दूँगा कि रात में स्टेशन कैसा लगता है देखने में, क्या क्या सजावट होती है, क्या कैसी लाइटिंग होती है यहाँ पर। तो बाकी दिन के टाइम में स्टेशन कैसा लगता है बाहर से, और स्टेशन से बाहर से और अंदर से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख लीजिए एक बार स्टेशन का हाल। ये है अपना केवड़िया स्टेशन, और ये इसका बाहर का हिस्सा है, ये देखिए, और यहाँ पे केवड़िया लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये पूरा जो देख रहे हो आप मस्त लगता है देखने में, ये हिंदी में, ये गुजराती में, बहुत मस्त लगता है देखने में स्टेशन। ये दिन के टाइम में तो ऐसा लगता है देखने में, और लेकिन रात में जो लाइटिंग होती है यहाँ पर उसके कोई कुछ कहने ही नहीं है, बहुत अच्छे फूल पौधे वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह बढ़ेंगे और यहाँ पर ट्रेनों का जो ट्रेनों की जो है क्वान्टिटी बढ़ेगी यहाँ पर, तो भीड़ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और इसके यहाँ पे छोटी सी मूर्ति भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और यहाँ पे अपने देश का झंडा, और ये जो देख रहे होगे आप यहाँ पे, ये छोटा सा झरना कह सकते हो, डिज़ाइन झरने टाइप का कह सकते हो इसको, ये रात में बहुत अच्छी लाइटिंग देता है, इसका भी जो मैं आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पर एक होटल है सरदार सरोवर रिजॉर्ट, जो कि बिल्कुल स्टेशन के पास है, बहुत ही महंगा है, मैंने तो इसे किया नहीं था। और तो ये बाहर से है स्टेशन ऐसा कि बहुत ही बढ़िया स्टेशन है। तो कैसा लगता है आपको स्टेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगता है मुझे मालूम नहीं दोस्तों, बाकी स्टेशन तो बहुत बढ़िया है और तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब यहाँ से बाहर का मैंने दिखा दिया आपको, चलते हैं अंदर और कहता हूँ अंदर से स्टेशन कैसा है, तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ अपने स्टेशन के, और ये अंदर से स्टेशन भी ऐसा दिखता है, बहुत अंदर से भी खूबसूरत स्टेशन है। और ये मैं प्लेटफॉर्म 1 पे खड़ा हुआ हूँ, और ये ट्रेन जो खड़ी हुई है ये है दादर मुंबई सेंटर, दादर केवड़िया स्पेशल, और ये स्टेशन है देखिए प्लेटफॉर्म वहाँ, ऊपर से देखिए शेड से घेर रखा है इसको, बहुत ही खूबसूरती का शेड से घेर रखा है कि कोई दिक्कत ना हो। और ऊपर फुटओवर ब्रिज है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ऊपर चल के जल्दी से, क्योंकि ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन खड़ी नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नंबर दो भी दिख जाता। तो ये है खूबसूरत स्टेशन, और खूबसूरती इसकी देखने से बनती है। तो चलिए यहाँ पे इस स्टेशन पे इतना ही, अब चलते हैं फुटओवर ब्रिज पे, और फिर मैं आपको चल के दिखाता हूँ फुटओवर ब्रिज। लोग फुटओवर ब्रिज कितना सुंदर बनाया हुआ है, जो पेंट किया हुआ है भारत के तिरंगे का पेंट किया हुआ है इसके अंदर, मैं आपको जरा दिखाता हूँ चल करके थोड़ा साइड से, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, देखिए स्टेशन पर काम अभी तक चल रहा है,
सारी प्लेटफॉर्म वगैरह बन चुके, ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है, सब तरफ काम चल ही रहा है यहाँ पे। बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, काम यहाँ पे अभी चल ही रहा है और अभी करीब 5 से 6 महीने और लग जाएंगे स्टेशन को अच्छी तरह से डेवलप होने में। ये इसका फुटओवर ब्रिज, ये एक नंबर की साइड से मैं आया हूँ और इधर दो और तीन नंबर साइड जाने का रास्ता है, मैं उधर जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से फुटओवर ब्रिज जाने का रास्ता है और ऊपर साइड से कवर करके धूप लगने की कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों ये था स्टेशन और अभी तक काम चल रहा है यहाँ पे, तो स्टेशन का भी काम पूरा हुआ नहीं है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है, जितना जो जो चीज़ अच्छी थी खूबसूरत चीज़ थी मैं दिखा दी आपको। और यहाँ पे काम तो चलता रहेगा, करीब 5-6 महीने काम चलेगा, उसके बाद ये स्टेशन अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, केवड़िया स्टेशन के ब्लॉग को, और फिर मिलता हूँ आगे किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।